पर्वत गांव नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था। उसमें से कभी कभी आग और लावा निकलते थे। उसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते थे। इसीलिए उस पहाड़ पर बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ठेले थे। वहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए एक पार्क भी बना हुआ था। वहीं पर भीकू नाम का एक युवक फोटो खींचकर अपना गुजारा करता था। गले में एक कैमरा लटकाकर और हाथ में एक प्रिंटर लेकर वो घूमता रहता था, ये कहते हुए, फोटो खींच लो भैया, फोटो, एकदम बढ़िया फोटो, केवल 100 रुपए में एक फोटो, अभी के अभी तुरंत आपको प्रिंट निकाल कर दूंगा साहब। आइए सर, आइए मैडम, एकदम बढ़िया सी यादगार इस फोटो में आप कैद कर लीजिएगा, कहकर वहाँ चक्कर लगाता रहता था। इस तरह किसी फैमिली के फरमाइश पर वो ज्वालामुखी के पास उनको खड़ा करके उनका फोटो निकाल कर वहीं के वहीं प्रिंट निकाल कर उन्हें देता और उनसे ऐसे लेता था। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मोबाइलों में फोटो खींचते थे और भिक्कू की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। इस तरह भिक्कू के कई दिन तो ऐसे भी गुजरे जब उसने एक भी फोटो नहीं खींचा, इसलिए वो कई बार दुखी होता था। भिक्कू के पिताजी का एक छोटा सा खेत था। उस खेत में वो कई किस्म के सब्जियां उगाते थे और उन सब्जियों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे। एक दिन सूट बूट पहनकर एक आदमी उस ज्वालामुखी के पास आया। भिक्कू उस आदमी से, साहब एक फोटो खिंचवाइए साहब, सिर्फ 100 रुपए, मैं आपको यहीं पर प्रिंट निकाल कर दूंगा साहब। सर प्लीज सर, एक फोटो खिंचवा लीजिए सर। तब वो आदमी, नहीं भैया, मेरे पास आईफोन है और तुम आईफोन के फोटो का क्वालिटी जानते ही हो, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है भैया। तब भिक्कू, सर ऐसा मत कहिए, प्लीज सर सिर्फ एक फोटो खिंचवा लीजिए, सवेरे से मैंने एक भी फोटो नहीं खींचा सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज एक फोटो खिंचवा लीजिए, मना मत कीजिए सर। तब उस आदमी ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाला और कहने लगा, मुझे फोटो वोटो नहीं चाहिए, ये मेरे तरफ से भीख समझ लो। भिक्कू हैरान होकर, सर मैं कोई भिखारी नहीं हूँ सर, मैं फोटोग्राफर हूँ सर। तब वो आदमी, क्यों गुस्सा आया, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं देश विदेश घूमता हुआ मोटिवेशन स्पीच देने वाला मोटिवेशन स्पीकर हूँ, लाखों लोग मेरी मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए एडवांस बुकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बातों से प्रेरित होकर अपने मुसीबतों को पार करते हुए जिंदगी में विजयी हुए हैं, मैं एक घंटे का लाखों में फीस लेता हूँ, मेरा नाम है वीरेंद्रनाथ, ये जो तुम फोटो खींचने के लिए कह रहे हो ना और मंदिर के पास जो भिखारी बैठकर मांगता रहता है, मेरी नजरों में तुम दोनों एक समान हो। तब भिक्कू, क्या करें सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं और मुझे कहीं नौकरी मिलती नहीं, एक आदमी था जिसके पास मैंने फोटो खींचना सीखा, उनके मृत्यु के बाद ये काम मैं कर रहा हूँ सर, जब से ये मोबाइल आया है हम जैसों का कोई धंधा चलता नहीं है सर, कहकर दुखी हो रहा था। तब वीरेंद्रनाथ, देखो बेटा इस दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं ना, एक वक्त था जब वो तुमसे भी ज्यादा गरीब थे, हमारी जिंदगी में गरीबी कभी रोड़ा नहीं बन सकती बेटा, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है बेटा क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना वो हमारी गलती है बेटा क्योंकि हमारी जिंदगी का बागडोर हमारे हाथ में है, तुम जवान हो, समझदार हो, ध्यान से सोच कर काम करो, जीत तुम्हारी होगी बेटा, ऑल द बेस्ट, कहकर वहां से चला गया। भिक्कू का दिमाग हिल गया। घर जाकर उसने बहुत कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। रात भर बैठा सोचता रहा, तभी उसकी नजर आलू के फसल पर पड़ी जो उसके पिताजी ने काट कर टोकरी में भरा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अगले दिन उसने ठेला लिया और उसमें एक बोर्ड लगाया, हॉट हॉट वेलकम पोटैटो। उस ठेले में खाने का सारा इंतजाम करके वो उस ठेले को लेकर ज्वालामुखी के पास गया। भिक्कू, आओ भैया, एकदम बढ़िया सा वालकनो पोटैटो यानी ज्वालामुखी पोटैटो खाओ, गर्मा गर्म चिकन मटन फिश के साथ वालकनो पोटैटो खाओ, कहकर आवाज देने लगा। तो उसकी बात सुनकर लोग हैरान होकर ये देखने आए कि ये नई चीज क्या है। भिक्कू ने उन सब के सामने आलू को गर्मा गर्म आग पर सेकने लगा। बाद में उसने एक चम्मच की मदद से आलू को बीच में से खोखला किया और उसमें चिकन और मटन के पीसेस को भरकर उसे तेल में तलने लगा, फिर उसे प्लेट में सजाकर लोगों को परोसने लगा।
उसे खाकर उसके स्वाद के लोग दीवाने हो गए। एक आदमी, यार रोज ये डोसा इडली और रोटी खा खा कर थक गए थे, भाई तुम्हारा ये ठेला एकदम नया लग रहा है, सिर्फ नाम में ही नहीं स्वाद में भी अलग है। इस तरह उस दिन से भिक्कू के सारे मुसीबतें दूर हो गईं। उस दिन से भिक्कू वहाँ पर वालकनो पटाटो बेचता हुआ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।